अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाल चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त बनकर तैयार होती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जिसके लिए मैंने 400 ग्राम गोश्त ले लिया है चिकन का, और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक नमक स्वाद के अनुसार, दो चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, चार चम्मच दही, आधा चम्मच तीखा लाल मिर्च, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, और आधा कप के आसपास टोमेटो प्यूरी। और मैंने दो प्याज को फ्राई कर लिया था और उसे मिक्सर ग्राइंडर में जाल के हल्का सा क्रश कर लिया था। एक चम्मच रेड फूड कलर। अब इन सभी चीजों को हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तेल मैंने पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। अब इसमें हमने मैरिनेट किए हुए अपने चिकन डाल देंगे और 4 मिनट के आसपास इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है और अभी इसे हम कवर करके धीमी आंच पे करीब 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में चेक कर लेंगे। अब इसमें हमने हरी मिर्च काट के करीब 4 डाल दिया, 8 से 10 करी पत्ता, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से हरी धनिया के पत्ते। इसे अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार इसे आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ये वीडियोस भी जरूर देखिएगा, काफी बेहतरीन रेसिपीज है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएंगे। सीखते रहिए, बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।